Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट विशाल, और लेके आ गया हूं फिर से आपके लिए एकदम कड़क वीडियो। इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यार सब्सक्राइब कर दो। वीडियो आज ही काफी अच्छी बनी है, जाके वीडियो देखो। आर्यन कहाँ है यार? यहाँ मैं पार्क में वेट कर रहा हूँ यार, आजा यार। अच्छा माहौल है, आजा यार, कबीर सिंह देखने चलते हैं यार दोबारा, मज़ा आ गया था पहली बार। आजा आजा जल्दी आजा यार, चल रखता हूँ। थैंक यू। हेलो, थैंक यू सो मच। अभी इससे पहले मेरा फ़ोन खो चुका है, दोबारा लिया था। थैंक यू यार, आजकल कोई बताता नहीं ना। वैसे क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? हमसे मतलब यार, वैसे ही पूछ रहा हूँ यार, मतलब क्या कर रहे हो, गुस्सा क्यों हो रहे हो? कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो यार आप, मतलब सैड क्यों हो आप? प्रॉब्लम होगी तुम ठीक कर दो साउंड को, एक सेकंड के अंदर बैठे बैठे यहाँ पे नहीं कर पाओगे ना, बताओ, शायद हो सकता है सॉल्व कर दूं। दोस्त समझ के बता दो। क्या तुम किसी का दिल टूटा है यहाँ पे, तुम अपने पता नहीं कैसे सॉल्व कर सकते हो? दिल मेरा टूटा है, तुम क्या कर दोगे उसमें? मेरा भी दिल टूटा है अभी कुछ दिन पहले, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बताओ तो एक बार। अच्छा लड़का हूँ मैं, विशाल नाम है मेरा। लड़के सब अच्छे होते हैं, मेरे बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा था, 2 साल से बहुत अच्छा था वो, उसने धोखा दिया ना मुझे, अभी 2 घंटे पहले देख के आ रही उसको, 2 साल 2 घंटे में खत्म। अच्छा बॉयफ्रेंड ने आपको धोखा दिया आज? अभी सीपी में था, सीपी में? अभी सीपी में मैं शॉपिंग के लिए आई थी, फ्रेंड मेरी आ रही है, शी इज ऑन द वे, और मैं शॉपिंग के लिए गई किसी और बंदे के साथ, जहाँ मेरे 2 साल रिलेशन में एक सेकंड खत्म, उसे बात करने की कोशिश नहीं की मुझसे। उसने आपने देखा फ्रंट टू फ्रंट, उसने आपको देखा और आपने भी उसको देखा, फिर भी मैं उसके मुंह पे जाके से बोल के आई हूँ, लड़के आई मेरे लिए, लिटरली लड़के आई हूँ उससे, मैं उसके बंदे के सामने। ऐसे धोखेबाज लोगों से क्यों बात कर यार, अब सैड मत हो यार, ऐसे लोगों से बात ही क्यों करते हो आप? मतलब ऐसा होता रहता है लाइफ में, ऐसे होते रहते हैं ऐसे प्रॉब्लम। अभी एक हफ्ते पहले मेरी गर्लफ्रेंड खुद छोड़ के भाग गई मुझे, थोड़ा अपसेट था मैं, फिर इसके बाद ठीक हो गया, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 लड़कियां मुझे छोड़ के भाग चुकी हैं, तो अपसेट होता हूँ। चला है तो यार मेरा वो प्यार था यार, मेरा मैं प्यार करती थी उससे, मेरा ही प्यार था, अंधाधुंध प्यार करता था मैं तो बहुत प्यार करता था यार। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, आप अब ड्यूटी में अपसेट हो गए, ये हो गए, ऐसा कोई फायदा नहीं यार, मतलब वो चला गया दूसरे के साथ, आपको देख के वहाँ पे इग्नोर कर दिया, तो फिर आपको लगता है वो आ जाएगा वापस? नहीं आएगा यार, नहीं आएगा। अब उसने सामने से इग्नोर कर दिया, अगर उस लड़की को छोड़ के आपके साथ अभी यहाँ पे बैठा होता तो आ जाता, अब वो नहीं आएगा। उसके कहने का मतलब ये था, आपने उसको देखा, उसने आपको इग्नोर कर दिया, मतलब आपसे बात नहीं की, ये वो, तो उसके सामने कहने का मतलब यही है, ख़त्म आपसे, तो ऐसे अपसेट होके यहाँ बैठने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। देखो लाइफ में एक वो होता है, मतलब रूल होते हैं लाइफ के काफ़ी, खुद को स्ट्रांग करना होता है अंदर से। क्या स्ट्रांग यार, 2 साल का रिलेशन, बस जान से प्यार करती थी मैं उससे, धोखा दे था मुझे वो। प्यार करना ही नहीं चाहिए यार आजकल, देखो पता है आजकल के रिलेशनशिप कैसे हो गए हैं। ये फ़ोन है वन प्लस सेवन प्रो, इससे पहले मेरे पास 1+7 था, ठीक है, अभी एक हफ्ते पहले मेरा फ़ोन चोरी हो गया, तो फिर मैं एक दिन तक अपसेट था, मुझे लगा यार सारी चीज़ें चली गई, इतना महंगा मेरा फ़ोन चोरी हो गया, ये वो, मुझे गुस्सा आया, काफ़ी मेहनत से लिया था, तो फिर मैंने दोबारा इसको लिया, मैं इसको भूल गया, तो पता है क्यों भूल गया, क्योंकि ये उससे बेटर था, वो 1+7 था, ये 1+7 प्रो। तो लाइफ में हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी ऐसे ही होते हैं, और रिश्ते भी हमेशा, मैं मेरे लाइफ का यही रूल है, मतलब कि हर चीज़, जैसे मेरी गर्लफ्रेंड चली गई मुझे छोड़ के, तो उससे बेटर है मार्केट में, अगर ये 1+7 प्रो खो जाए तो इससे भी बेटर है ना मार्केट में, मान लो वो सबसे ज़्यादा बेटर है, iPhone 10 भी खो जाए तो उससे बड़ा होगा ना iPhone XR, ऐसा कुछ XR भी मान लो ख़त्म हो गया तो होगा ना कमिंग सून, कुछ ना कुछ तो आएगा ना जो उससे बड़ा, वो रुकने वाला नहीं है ना, क्योंकि ये सिस्टम है लाइफ में, कभी भी कोई भी चीज़ रुकने वाली नहीं है, एक गया तो दूसरा आएगा, उससे बेटर है मार्केट में, पर आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, आप तो स्मार्ट हो, उससे अच्छा मिल सकता है आपको, ऐसे ही पैसों से मतलब होता है, पैसों जैसे पैसा है मेरे पास तो मिल सकता है मुझे, ठीक है, ठीक
कोई भी फायदा नहीं यार अपसेट होने में। दिन नहीं खराब होगा, पता है हम, मैं ना यहाँ पे वीडियो शूट करने आया था, वो रहा कैमरा इसलिए। सॉरी प्लीज़ डोंट रिएक्ट, ये सिर्फ मजाक था। मतलब मैं ऐसे वीडियो क्रिएटर हूँ, यूट्यूबर हूँ, एक मेरा कैमरा मत बंद करना, यूट्यूबर हूँ मैं, बस ऐसे प्रैंक बनाने आया था। ऐसे फ़ोन मैंने जानबूझ के गिराया था, बट आजकल कोई बताता नहीं है, मतलब मैं चला जाता तो आप बताते नहीं, लेकिन फिर मैं आके ले लिया। हाँ मैंने आपको देखा था, आप काफ़ी सैड थे ना, ऐसे सैड मत हुआ करो यार, हर चीज़ का सोल्यूशन है लाइफ में। मैं आपका दोस्त होस्ट विशाल मैं हूँ, अब क्या बोलते हैं, मैं आज से आपका बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? आगे देखेंगे तो कुछ और भी हो सकेगा, तो उस रिश्ते को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अभी के लिए बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? तो यार वो गया तो गया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशान करे, तो मेरा नंबर लिख लो आप, 700, ये मेरा नंबर है, ठीक है? एक मिनट, उसको बाबा नाम से सेव कर दो, ठीक है? ये बाबा नाम सेव हो गया, और उस वो अगर थोड़ा भी परेशान करे तो मुझसे बताना। एक्चुअली मैं यूपी पूर्वांचल से हूँ, दिमाग का काफ़ी गर्म हूँ, आजमगढ़ से, मिर्जापुर देखी नहीं है आपने, उसी साइड से हूँ, इसीलिए उधर से मेरी, और वैसे भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, आज का दिन आपका वेस्ट नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना, एक चीज़ आती है तो उससे बेटर चीज़ है मार्केट में, नहीं होगी तो वो आएगी, क्योंकि आजकल की जनरेशन उसको पैदा करती जा रही है, मतलब आते जा रही, ठीक है? तो मैं आ रहा था अभी मैगजी, आप ड्यूटी में आपसे तो यहाँ बैठे हो, आपको चलना हो तो आप चलो, ट्रस्ट है मेरे ऊपर। तो मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये मैं हूँ ना, तो है मेरा यूट्यूब चैनल है, आप टेंशन ना लो, जेन्युइन गाय हूँ, वैसे कोई ऐसा नहीं कि मैगडी ले गया भाग गया ये वो। अभी मेरी खुद ही गर्लफ्रेंड कलुआ के साथ भाग गई, उससे पहली वाली भी सुरसवार वैसवा सबके साथ भाग रही है सब, लेकिन उससे मुझको पता है कि उससे बेटर लड़की है, वैसे ही 200-300 लड़कियों का नंबर है मेरे पास, क्या टेंशन है यार लाइफ में। आ जाओ, चलो चलोगे मैगडी? आ जाओ।